हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई जो झारखंड T20 की जो कि मैच होगा यहाँ से जमशेदपुर जगलर्स वर्सेस दुमका डेयर डेविल्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे ECS T10 के वीडियोज मिल जाएंगे, इसके साथ साथ बुखारी T20 के वीडियोज मिल जाएंगे, इसके साथ साथ एमिरेट्स D20 के वीडियोज मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में ही मिलने वाली है। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 1 बजे JSC इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ से न्यूट्रल और बैलेंस है। देखो वैसे तो यहाँ पर रन्स अच्छे खासे बनते हैं, कल की मैच में हमने देखा भी यहाँ से 180 प्लस में दोनों टीम ने स्कोर किया, लेकिन इसके बावजूद शुरुआत की मैचेस के अंदर अच्छे स्कोर नहीं हो रहे थे। तो वैसे तो यहाँ से बैट्समैन के लिए भी अच्छी पिच है, एवरेज स्कोर 130 किया हुआ है, 150 तक भी जा सकता है। और बाकी चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक 4 मैचेस खेले गए जिसमें से एक भी मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने नहीं जीती, 3 मैच यहाँ से जीती तो चेजिंग करने वाली टीम ने और एक मैच जीती यहाँ से टाई हुई। तो ये जो टाई मैच हुई ना वो भी चेजिंग करने वाली टीम ही जीतने वाली थी, लेकिन आखिर में टाई हो गई। तो बात करते हैं ऐसे सबसे पहले टीम जमशेदपुर की, तो एक मैच खेली और हार के आ रही है। विवेक कुमार और यहाँ से हर्षित नामदेव दोनों ने ओपनिंग किया और दोनों ही हमारे लिए एज अ प्लेयर यहाँ से इंपॉर्टेंट पिक बनने वाले। देखो विवेक कुमार की बात करो तो बैटिंग के साथ साथ यहाँ से अच्छी खासी बॉलिंग भी करवा सकते हैं, हालांकि लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं की तो कंटिन्यूसली ओवर्स नहीं करवाएंगे, लेकिन कभी कभी एक आधी ओवर्स करके विकेट भी चटका सकते हैं, तो इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे। बाकी हर्षित नामदेव ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे, 4 मैच के अंदर 125 रन है करीबन 32 के एवरेज से, और लास्ट मैच के अंदर भी 30 रन की एक बड़ी पारी खेली। राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेते हैं, प्लस ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इनसे बॉलिंग से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, बाकी बैटिंग से अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हैं। कुमार सूरज वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, देखो टॉप ऑर्डर में जो चारों प्लेयर है चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले, तो कुमार सूरज भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। 15 मैचेस के अंदर करीबन 27 के एवरेज से 294 रन किए हुए, साथ में एक विकेट्स भी निकाला हुआ है 9 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए। तो यहाँ से कुमार सूरज वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करवा लेते हैं, प्लस ऑफ ब्रेक बॉलिंग करवाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि बॉलिंग से इनसे भी वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हर एक मैच के अंदर यहाँ से कभी ना कभी एक आधी ओवर्स करवा सकता है। बात करते हैं ऐसे सुप्रियो चक्रवर्ती, तो ये भाई साहब की मेरी पहले से ही नहीं बनती है। तो इनके बारे में मैंने पहली मैच के वीडियो में भी बताया था कि लास्ट सीजन जब भी मैं इस बंदे को पिक करके जाता था तब ये भाई साहब यहाँ से फेल रहते थे, और जब भी इनको ड्रॉप करता था तब ये भाई साहब अच्छे खासे फॉर्म में होते थे, लेकिन कल अच्छा हो गया यहाँ से। मीन्स इनको मैंने वाइस कैप्टन किया था जहाँ पर 40 रन किए उन्होंने, प्लस 1.4 ओवर की गेंदबाजी की। देखो ये रेगुलर बेसिस पर 4 ओवर पूरी करवा सकता है, इवन यहाँ से डेथ ओवर्स वगैरह में गेंदबाजी के लिए जरूर आएगा। तो यहाँ से डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट है सुप्रियो चक्रवर्ती, तो ये तो डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर भी रहना चाहिए, इवन यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए भी सबसे बेस्ट चॉइस यहाँ से सुप्रियो चक्रवर्ती रहने वाली, तो इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे। 27 मैच के अंदर करीबन 28 के एवरेज से 552 रन है करीबन 71.1 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 23 विकेट्स भी निकाली है, टीम की कैप्टनशिप करवा रहा है और यहाँ से इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। पंकज कुमार काफ़ी नीचे खेले तो इनको शायद मैं पिक ना करूं, इनको थोड़ा सा डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी रजनदीप सिंह वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनका भी लास्ट मैच के अंदर काफ़ी कम सिलेक्शन था, 10 मैच के अंदर करीबन 23 के एवरेज 138 रन, साथ में 2 विकेट्स भी निकाले हुए हैं। तो ऐसे रजनदीप सिंह वैसे रेगुलर बेसिस पर तो इनसे कोई ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, 10 मैच के अंदर सिर्फ 12 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन अभी कंटिन्यूसली पूरी करवा सकते हैं, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है और आपको पूरी ओवर्स करवाते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी राहुल प्रसाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज करवाएंगे, 15 मैच के अंदर करीबन 18 के एवरेज से 142 रन किए, लास्ट मैच के अंदर बैटिंग तो आई नहीं, प्लस ओवर्स हर एक मैच के अंदर पूरी करवा सकते हैं, तो इनसे बॉलिंग से अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन लग सकते हो। 15 मैच के अंदर 14 विकेट निकाल चुके हैं, तो आपको इनसे उम्मीद कर सकते हो, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। अभी देखो 4 बॉलर्स हैं,
विकास कुमार, कमल कुमार या से निशिकांत कुमार। तो ये चारों ने ओवर्स के, लेकिन चारों में से किसी को भी विकेट नहीं मिली। बाकी ओवरऑल दो प्लेयर्स के तो रिकॉर्ड्स हैं नहीं हमारे पास, और दो प्लेयर के हैं या से राहुल प्रसाद और या से निशिकांत कुमार। तो इन दोनों में से किसी एक को लेके जाएंगे, और अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो इन दोनों में से भी किसी एक को ले सकते हो, क्योंकि ओवर्स पूरी करवा रहे, अगर एक दो विकेट चटका लेते तो आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकते हैं। बाकी विशाल प्रसाद काफ़ी नीचे खेले तो इनको तो शायद मैं टीम के अंदर लेके ना जाऊँ। बाकी स्टार्टिंग ओवर्स की बात की जाए तो वी कुमार और यहाँ से एन कुमार दोनों स्टार्ट करेंगे। डेथ ओवर्स में वी कुमार, एन कुमार और यहाँ से चक्रवर्ती डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि चक्रवर्ती जो है डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे वहां पर चेंजेस वगैरह करने की, तो वहां से टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा। बाकी बात करते हैं यहाँ से दुमका की, तो एक मैच खेली और हार के आ रही है, तो दोनों ही टीम जो है एक एक मैच हार के आ रही है। कुमार कुशाग्रा और यहाँ से अरविंद कुमार दोनों ही ने यहाँ से ओपनिंग करवाया, और दोनों ही की बात करूँ तो ऐसे अविनाश कुमार तो थोड़े से ओके ओके पिक रहेंगे, लेकिन कोशाग्रा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। इवन लास्ट मैच में भी मैंने इनको कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस दी थी, तो ये डेफिनेटली एक बार फिर से भी आप चाहे तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करके जा सकते हो। बाकी अविनाश कुमार थोड़े से ओके ओके पिक रहेंगे, बाकी इनको भी डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। बाकी इस प्लेयर की बात करो तो इनका रिकॉर्ड ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे, लेकिन रिसेंटली फॉर्म थोड़ा सा खराब चल रहा है। करीबन 46 की एवरेज से 13 मैच के अंदर 408 रन कर चुके हैं, दो विकेट्स भी निकाल चुके हैं, लेकिन रिसेंटली फॉर्म उनका थोड़ा सा खराब है। लेकिन इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो एक बार, क्योंकि इनकी तरफ से बड़ी पारी कभी भी आ सकती है। तो इनको रिस्की तौर पर अगर खेलते हो, चार मेंबर, पांच मेंबर या से छह मेंबर, ग्यारह मेंबर वाली लीग खेलते हो, तो इनको एक आधी टीम के अंदर जरूर शामिल करिएगा। शरणदीप सिंह को इवन यहां से मैं तो कहता हूं, अगर गना लीग वगैरह खेलते हो तो एक आधी टीम में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का रिस्क भी इनके ऊपर ले सकते हो। बाकी आयुष भारद्वाज वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लास्ट मैच के अंदर 23 रन किए, ये बंदा कभी भी एक दो ओवर्स करके विकेट भी चटका सकता है, तो ऐसे आयुष भारद्वाज वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। बाकी बात करते हैं भाई अतुल सिंह सरवर की, बंदे ने भाई कमाल कर दिया है। लास्ट मैच की बात करूं तो सामने वाली टीम जो है वहाँ पर जीत की कगार पे थी, लेकिन भाई सब आ रहे फिर डेथ में आते, जहाँ पर उन्होंने एक ओवर्स 18 में ओवर्स की एक, और एक ओवर्स उन्होंने 20 ओवर्स की गए, तो यहाँ पर दो विकेट निकाले, यहाँ पर दो विकेट निकाल दिए। तो सामने वाली टीम की जो जीत थी उसको उन्होंने टाइम में तब्दील कर दिया, लेकिन उनका नसीब खराब रहा कि आखिरकार उनको सुपर ओवर में हारना ही पड़ा। लेकिन बंदा काफ़ी अच्छा है भाई, टीम की कैप्टनशिप करवा रहा है। लास्ट मैच के हमारे कैप्टन थे ऐसे अतुल सिंह सरवर, जहां पर उन्होंने 5 विकेट निकाल लिए। तो एक बार जाके टेलीग्राम में चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ भाई, चार ओवर की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट निकाली थे इस भाई साहब ने, और आज भी एक बार फिर से भी मैं इनको कैप्टन कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो इनका बैटिंग से परफॉर्मेंस आना बाकी है। अंकित कुमार को सिल्वे में ट्राई कर सकते हो, बाकी रोहित कुमार थोड़े से ओके ओके पिक रहेंगे। बाकी शुभम सिंह की बात करो तो ये भाई साहब जो है डेथ ओवर्स वगैरह में गेंदबाजी के लिए आते हैं, तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, उनको लेके जा सकते हो। बाकी महीनी सी ने 9 मैच के अंदर 8 विकेट पिछली सीजन में निकाले थे 31 ओवर की गेंदबाजी करते हुए, इस बार भी 4 ओवर की गेंदबाजी की जहां पर 1 विकेट निकाला, तो एक बार फिर से इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। बाकी ऐसे विनायक विक्रम ने भी 1 विकेट निकाला था, बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड ठीक ठाक है, विकेट टेकिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है, 9 मैच के अंदर 3 ही विकेट है, तो देख लेते अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ट्राई करेगा। बाकी यहाँ से नित्यानंद कश्यप वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले, इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर्स की बात की जाए तो ऐसे शुभम सिंह और एन कश्यप स्टार्ट करेंगे, और डेथ ओवर्स की बात करें तो अतुल सरवर और ऐसे शुभम सिंह दोनों डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी बेंच की बात की जाए तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे वहाँ पर चेंजेस वगैरह करने की। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात की जाए तो मैं ऐसे कुशाग्रा के साथ जाऊंगा। देखो इस बंदे के ऊपर आपको पूरा रिस्क लेना है, इसको डिफरेंशियल वे में जरूर ट्राई करना, इवन ग्रैंड लीग वगैरह में तो एक आधी टीम के अंदर इनको कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के चॉइस पर भी ट्राई कर सकते हो। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे अतुल भारद्वाज है या से सॉरी क्या नाम है इनका, अविनाश भारद्वाज है, आयुष भारद्वाज है, या से के सूरज, ए सिंह सुरवर, वी कुमार और एच नामदेव हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। देखो एच नामदेव की जगह पर आप लोग ऐसे ए कुमार को ट्राई कर सकते हो, या फिर ऐसे कश्यप को ट्राई कर सकते हो, दोनों में से किसी को लेके जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में चक्रवर्ती के साथ या से आर सिंह को मैं लेके जा रहा हूँ। बाकी बॉलिंग सेक्शन से मैनी सी है, एच सिंह और या से वी विक्रम हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ टीम बन सकती है हमारी, के कैप्टन हमारे रहेंगे ऐसे ए सिंह सर्वर और वाइस कैप्टन ऐसे चक्रवर्ती रहने वाले हैं। लेकिन याद रहे ये डेमो टीम है,
फाइनल नेम आपको मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल नए नेम के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हो फैंटासी एडिशन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आगे आने वाले अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।